दोस्तों, एक व्यक्ति किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, कितना डेटा मेंटेन करता है, सेल के बिल डालता है, परचेज के बिल डालता है और बैंक की एंट्रीज करता है, रिसिप्ट पेमेंट की एंट्रीज करता है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, सारा हिसाब किताब अपने वो सॉफ्टवेयर के अंदर रखता है। दोस्तों, आज हम टैली प्राइम की बात कर रहे हैं। टैली प्राइम जो लोग यूज करते हैं और सुबह से शाम तक एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो सारे डेटा को कैसे मैनेज करते हैं और अचानक से उनका डेटा करप्ट हो जाए तो क्या होगा, कैसे वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे पाएगी, कैसे वो अपनी पेमेंट को रिकवर कर पाएगी, कैसे वो पेमेंटों को पे कर पाएगी, कैसे वो मतलब के हिसाब किताब रख पाएगी, आज इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी भी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, IBM हो, डेल हो, चाहे वो रिलायंस हो, ये सारी की सारी कंपनीज एक अच्छे डेटा बैकअप के ऊपर काम करते हैं। ये अपने डेटा की इतनी टाइट सिक्योरिटी रखते हैं कि कोई इनके डेटा को छू भी नहीं सकता, क्योंकि इनको पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का कहना है कि जो डेटा बैकअप होता है, डेटा सिक्योरिटीज होती हैं, ये एक कंपनी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। अगर किसी कंपनी के डेटा बैकअप में हल्का सा भी मतलब गड़बड़ हो जाए या डेटा करप्ट हो जाए तो ये समझ लीजिए कंपनी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है और वो कंपनी अब आगे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो बूंद बूंद करके उसने डेटा इकट्ठा किया था अपने एक एक क्लाइंट को, मतलब के धीरे धीरे जोड़ जोड़ कर एक मकाम तक पहुंचे हैं और एक अच्छा मतलब एक अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश की है जिसको उनके दादा परदादा ने अपने टाइम से चलाया है और उसको आगे उनकी जो पीढ़ियां हैं उसको आगे से आगे बढ़ाती जा रही हैं। ऐसे में डेटा करप्ट होने पर वो रातों रात नहीं, मिनटों के अंदर, जी हां मिनटों के अंदर वो हीरो से जीरो हो सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक में जाएं और बैंक के सॉफ्टवेयर में आपका सारा डेटा वो मेंटेन करके रखते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ रखते हैं। इसी तरह से अगर आप जाते हो, आप कहते हो जी मुझे 20,000 रुपए निकालने थे, तो कहते हैं अपना अकाउंट नंबर बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताते हैं और बैंक का जो ऑपरेटर है वो जो कैश विड्रो और डिपॉजिट करता है, जो आपको पेमेंट देता है, वो फटाफट से आपका अकाउंट नंबर डालेगा और आपको बताएगा जी आपको तो अकाउंट ही नहीं है हमारे बैंक में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बैंक के सॉफ्टवेयर का डेटा करप्ट हो गया जिसमें आपका अकाउंट नंबर था, वो अकाउंट नंबर भी करप्ट हो गया। अब आप परेशान हैरान कि मेरा तो बहुत पुराना अकाउंट है और उसमें लाखों रुपए जमा है, ऐसे कैसे कह दिया बैंक ऑपरेटर ने कि आपका तो अकाउंट ही नहीं है हमारे बैंक में। तो जो रिएक्शन आपका होगा ना, ऐसे में आप देखिए सभी जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के, जिसने मतलब के बैंक ने एक एक करके एक एक दिन मतलब के इतने सारे कस्टमर इकट्ठे किए और उनके अकाउंट्स अपने बैंक में खोले और कितने सेल्समैन को सैलरी दी उनके अकाउंट ओपन करवाने के लिए। एक एक सेल्समैन घर घर जाकर अकाउंट ओपन करता है, कॉल करता है कि सर हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन करता है। तो ऐसे में जब डेटा करप्ट हो जाए तो आपका रिएक्शन जो होगा ना, आप या तो बैंक भी चेंज करेंगे, उसकी एफआईआर भी करेंगे और मतलब उसके बारे में एक तो नेगेटिविटी पूरे मार्केट के अंदर फैल जाएगी। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं एक बिजनेसमैन के साथ अगर उसके सॉफ्टवेयर का डेटा करप्ट हो जाए, क्योंकि एक अकाउंटेंट, अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट जब सुबह से शाम तक डेटा मेंटेन करता है, किसको कितनी सेल की, कितनी परचेज की और वहां से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, तो ये सारा हिसाब जब आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करप्ट हो जाए ये डेटा, तो आप कैसे पता लगाओगे कि किस कंपनी से कितना पैसा लेना है और किस कंपनी को कितना पैसा देना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है। चलिए बैंक का पैसा तो आप बैंक में जाकर के पता लगा लोगे, लेकिन किसी पार्टी से हिसाब किताब जो करना है ना, वो सारा डेटा तो करप्ट हो गया। तो ऐसे में मार्केट में क्या इमेज बनेगी, जिन लोगों ने आपसे पैसा लेना होगा उन्हें पता लगेगा आपका डेटा करप्ट हो गया, वो फटाफट से मतलब के रातों रात आपके दरवाजे के आगे भीड़ आगे खड़े हो जाएगी, हमारा पैसा दो। आपके पास कोई हिसाब ही नहीं होगा कितना पैसा लेना है, कोई झूठ बोल के कह देगा जी मैंने तो 1 करोड़ लेना है, मैंने 1 लाख लेना है, मैंने 10 लाख लेना है। तो आपकी जो स्थिति होगी ना, वो ये समझ लीजिए कि आपकी कंपनी तो जाएगी जाएगी, आपको या तो शहर छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर आप आत्महत्या कर लोगे, वो एफआईआर कर देंगे आपके अगेंस्ट, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि डेटा के करप्ट होने पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। तो आप अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए, उसका बैकअप लीजिए। मैं तो कहता हूं एक अकाउंटेंट को जो टैली प्राइम ऑपरेट कर रहा है उसे डेली बेसिस पर अपना डेटा बैकअप लेना चाहिए। तो ये डेटा बैकअप कैसे लिया जाएगा, आज इस बारे में हम बात करेंगे। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए दोस्तों, ये मेरी टैली ओपन है और इसके अंदर ये नाम है शाइन साइबरटेक, ये मेरी फर्म का नाम है और इसका मैं बैकअप लूंगा और उसके लिए
मुझे ये बैकअप लेना कहां पर है, वो बैकअप के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरे कंप्यूटर में एक ड्राइव है और मैं यहां से अपना पाथ कॉपी कर लूंगा, मुझे यहां पर बैकअप लेना है। तो मैंने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया इस पाथ को। जब यहां क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर में सेलेक्ट हो जाएगा और आप राइट क्लिक कीजिए इस ब्लू कलर के ऊपर, साइड में नहीं करना कहीं पर भी, आपको यहां क्लिक करके इस ब्लू कलर के ऊपर यहां राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है पाथ को। उसके बाद टैली में आ जाइए। टैली में आने के बाद आप यहां पर ये जो आपको कंपनी दिखाई दे रही है के और उसके नीचे सॉरी ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है जहां वाई लिखा हुआ है और नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन मीन्स ऑल्ट, चाहे आप ऑल्ट वाई कीजिए या डायरेक्ट यहां क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहां बैकअप लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ये ओपन हो जाएगा। यहां पर मुझे ये लिखा है सिलेक्ट कंपनी फॉर बैकअप, आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है बैकअप के लिए और कहां पर बैकअप लेना है ये लिखा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, आपको वो पाथ देना है यहां पर। तो चलिए मैं यहां पर ना ये लिखा है स्पेसिफाई पाथ, स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद डबल क्लिक, उसके बाद यहां पर पेस्ट कर दूंगा जो पाथ मैंने कॉपी किया था, ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद यहां पर कुछ फाइलें आपको शो होंगी और यहां पर कहां आपको बैकअप रखना है, तो देखिए जो मेरे कंप्यूटर में मैं आपको दिखाता हूं जहां से पाथ आपने सेलेक्ट किया था, यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ई ड्राइव लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है यूट्यूब वीडियो, तो मतलब इस फोल्डर के अंदर आपको डेटा बैकअप लेना है, ई ड्राइव फिर आगे यूट्यूब फोल्डर। तो मैं इसमें यूट्यूब वीडियो मैं यही चीज वहां देखूंगा यूट्यूब वीडियो कहां लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ ई ड्राइव, ये लिखा ई फिर यूट्यूब वीडियो, फिर उसके बाद हम इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहां पर मेरा पाथ सेलेक्ट हो चुका है जहां पर मुझे बैकअप लेना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कंपनी का नेम, किस कंपनी का बैकअप लेना है और उस साथ में उस कंपनी का नंबर भी आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये मेरी कंपनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था साइबर टेक, ये शाइन साइबर टेक और आगे इसका ये नंबर है, इस पर मैं एंटर करता हूं और उसके बाद मेरी कंपनी और उसका नंबर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहां पर आप देखिए एंड ऑफ लिस्ट करके मैं इस पर एंटर कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद एंटर। अब ये कंपनी का बैकअप हो चुका है, चलिए इसको देखते हैं वहां पर ये बैकअप आया नहीं आया। तो मैंने जब यहां पर इस फोल्डर के अंदर आया तो देखिए लास्ट में ये बैकअप आ चुका है दोस्तों, ये फाइल मेरी यहां पर आ गई है। और उसके बाद अब मैं इसको आपको रिस्टोर करना बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी कंपनी का डेटा था यहां पर, ये कंपनी का डेटा है और ये मान लीजिए करप्ट हो जाता है, मैं सारे डेटा को यहां पर करप्ट कर देता हूं, ठीक है, ये डिलीट हो जाता है यहां पर और ये मेरा डेटा जो है ये यहां पर डिलीट हो गया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ना ऑपरेट करता हूं यहां से एक बार कॉपी, और मैं अब इस डेटा को, अब ये देखिए मैं अब चलाता हूं इस डेटा को टैली के अंदर, अब टैली तो मेरी चलेगी बट डेटा नहीं ऑपरेट होगा। अब ये देखिए मैं यहां स्पेसिफाई पाथ में आया, मैंने एंटर किया, यहां पेस्ट किया, उसके बाद एंटर किया, मेरे यहां पर अब कोई कंपनी वगैरह कुछ दिख नहीं रही है और सिर्फ नंबर दिख रहा है, मैं इस नंबर पर चलिए एंटर कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एंटर किया तो मेरी कोई कंपनी ओपन नहीं हो रही। आप कहेंगे जी कंपनी ओपन ही नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि कंपनी इसलिए ओपन नहीं हो रही क्योंकि कंपनी के अंदर की फाइलें सारी करप्ट हो गई हैं, उड़ गई हैं, डिलीट हो गई हैं। कारण कोई भी हो सकता है, कोई वायरस आ सकता है, कोई नॉन प्रोफेशनल पर्सन आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, आपके डेटा पर काम कर सकता है, तो वो गलती से आपका डेटा उड़ा देगा, डिलीट कर देगा। इस पर तो आप रोक नहीं लगा सकते, बट आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने डाटा बैकअप को लीजिए ताकि आप उसे रिस्टोर कर सकें, अपने काम को टेंशन फ्री होकर कर सकें, आपको ये टेंशन आ रहे कि कोई मेरा डाटा करप्ट ना कर दे, डिलीट ना कर दे, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आप अपना डेटा बैकअप लीजिए। अब मैं चलिए फटाफट से आपको रिस्टोर करके दिखाता हूं। तो जैसे मेरी ये फाइल यहां पर आप देखिए मेरा ये डेटा तो करप्ट हो गया, अब मैं इस डेटा को कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब जो मैं कल शाम को घर गया था अपना डेटा बैकअप लेकर के, अब मैं उस डेटा को अपडेट करूंगा, ये मेरा डेटा बैकअप था। अब इस डेटा बैकअप को जो मैंने कल लिया था इसको लेने के तरीके हैं, देखिए इसको आप रखिए कैसे। जैसे सबसे पहले एक फोल्डर बना लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और यहां पर फोल्डर बनाइए टैली डेटा बैकअप के नाम से, और उसके बाद आप इसमें टैली डेटा बैकअप के अंदर एक और फोल्डर बना लीजिए, आपको जो बैकअप रखना है यहां पर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 23 के नाम से बैकअप फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद इस फोल्डर में 22 23 फाइनेंशियल ईयर बना लिया, अब आपका मंथ क्या है तो मंथ के हिसाब से यहां पर आप जैसे यहां पर आप नंबर एक लिखिए और ब्रैकेट बंद कीजिए, उसके बाद लिखिए अप्रैल 22, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रैल का डेटा है और अप्रैल के डेटा में आप डेट वाइज बैकअप लीजिए। जैसे इसमें 06 05 जो जो भी डेट है आपकी मतलब कि या 04 ले लीजिए, ठीक है, जो भी डेट है आपकी, और इसके बाद इसमें इस तरह से आप डेट डालिए और उसके बाद आप रखिए किस तारीख में आपने फोल्डर में डेटा रखा था, बैकअप लिया था। तो मैं इस जो भी मेरा बैकअप है इसको मैं यहां से इसके अंदर रख लूंगा, ये लीजिए। आप डायरेक्ट बैकअप मतलब अपने फोल्डर में भी ले सकते हैं, जो मैंने वहां पर पाथ सेलेक्ट किया था आप डायरेक्ट यहां का पाथ सेलेक्ट कीजिए, आपकी फाइल सीधा इसी के अंदर आएगी। तो अब इस डेटा को रिस्टोर करने का वक्त आ गया है, तो मैं चलिए इस डेटा पाथ को यहां से कॉपी करता हूं और अपने टैली में आता हूं, और यहां पर आकर के आप देखेंगे कि रिस्टोर करने का जो ऑप्शन है वो यहां से है जहां से बैकअप लिया था, ये ऑल्ट वाई जो है यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिस्टोर पर क्लिक करेंगे
दोस्तों उसके बाद हमारे यहां पर पूछ रहा है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, मतलब जहां पर आपको बैकअप चाहिए रिस्टोर, वो फाइल मतलब जो आपने कल बैकअप ली थी कहां पर रिस्टोर करनी है, कहां पर चाहिए आपको, तो यहां पर आपको वो पाथ देना है। तो चलिए मैं यहां पर स्पेसिफाई पाथ में जाता हूं, एंटर करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो बैकअप जो है ना मेरा, वो मेरा बैकअप यहां पर आ जाए इस जगह, तो यहां का पाथ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मुझे वो बैकअप यहां पर चाहिए, मतलब इस फोल्डर इस फाइल से अलग यहां पर चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और उसके बाद यहां पर पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा, और उसके बाद मेरी मेरा जो पाथ है वो यहां पर शो हो गया, इस पे मैं एंटर कर दूंगा, मेरा वो पाथ यहां आ गया, मेरा जो मेरी जो फाइल रिस्टोर होगी वो यहां पर होगी, मतलब यहां पर होगी। उसके बाद अब वो फाइल मुझे लेनी कहां से है, मतलब मेरा जो बैकअप रखा है वो कहां रखा है, अब उस लोकेशन पर हम जाएंगे, तो वो लोकेशन के लिए अब यहां पर स्पेसिफाई पाथ में क्लिक करेंगे। देखिए अब यहां पर आपको लोकेशन डालनी है, ये स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहा है कहां चाहिए, तो मैं कह देता हूं कि मुझे वो जो पाथ है वो मतलब वो पाथ कहां से चाहिए, मतलब वो फाइल कहां रखी है। ठीक है, वो पूछ रहा है वो फाइल रखी कहां है, तो मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं और यहां से कॉपी कर लेता हूं पाथ की, वो फाइल यहां पर रखी है, तो यहां पर पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए वो फाइल का नाम आ चुका है जहां वो फाइल रखी हुई है, तो एंटर करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, ये जैसा ही दिख रहा है क्योंकि फाइल यहां सेलेक्ट हो चुकी है, उसका नंबर और उसका डेट वगैरह सब यहां पर आ गया बैकअप का, और यहां पर अभी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहां पर ये फाइल हमने उठाई यहां से जरूर थी, लेकिन हमें चाहिए कहां थी, वो हमें यहां पर चाहिए थी, देखिए येलो कलर में एक फोल्डर तैयार हो गया है 10,000 नंबर का, इसमें सारी फाइलें आ चुकी हैं। अब इसको हम ऑपरेट करके देखते हैं प्रॉपर से। ये देखिए यहां पर मैं क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा पाथ, अब नॉर्मली जैसे आप टैली चलाते थे, तो अभी मैंने जैसे टैली यहां पर बंद करके मैं दोबारा ओपन करके आपको दिखाता हूं कि ये हमारा काम करता है या नहीं करता है रिस्टोर। तो चलिए फटाफट से टैली ओपन होने वाली है और ये टैली ओपन हो गई। अब यहां पर इसे चलाने के लिए नीचे स्पेसिफाई पाथ में एंटर कीजिए, पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए, और ये शाइन साइबर टेक के नाम से आपकी फर्म आ चुकी है, इसे एंटर करेंगे और ये फर्म आपकी जो भी थी इसमें जो कंपनी बनी हुई थी वो ओपन हो गई। तो इस तरीके से मैंने आपको कंपनी का बैकअप लेना, मतलब टैली के अंदर कंपनी का बैकअप लेना, डेटा का बैकअप लेना और उसे रिस्टोर करना बता दिया है। अब ये जो पाथ आपका, अब ये जो डेटा आपका यहाँ आ गया, आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपको डर है कि आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कंप्यूटर ही खराब हो जाए और आपका कंप्यूटर का सारा डेटा खराब हो जाए फिर रिस्टोर कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है। तो चलिए इसका भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। आपका जैसे ही यहां पर ये जो डेटा है आपका यहाँ पर आपने मतलब रिस्टोर करके रखा है या बैकअप लेके रखा हुआ है जैसा भी है, तो हम इसे इसके अंदर डाल देते हैं, उठा के पहले तो इसमें डाल देते हैं, एक मिनट मेरी शायद यहाँ कंपनी ओन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो ये यहाँ पर डेटा रखा हुआ है, ठीक है, आप क्या कीजिए, आपको लगता है यहाँ कंप्यूटर खराब हो जाएगा, इसमें डेटा करप्ट हो जाएगा, तो मैं इस वाली फाइल को जो बैकअप ली थी इसको मैं एक आपको बता दूं, एक गूगल का एक बहुत बढ़िया ड्राइव है, गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ड्राइव प्रोवाइड करता है, और गूगल का जो डेटा बैकअप है मतलब रिस्टोर पॉइंट जो है, जो ड्राइव है, एक्चुअली गूगल बहुत फेमस है, हम गूगल के ड्राइव पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करके रखेंगे ताकि हम जब चाहें इसे ले सकें। तो चलिए जल्दी से मैं इसको यहां पर अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूं, और यहां पर आप देखेंगे एक कुछ ऑप्शन ये इस तरह से बने होते हैं गूगल ऐप के, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक ड्राइव नाम से एक ऑप्शन होता है, यहां क्लिक करेंगे, और ये जो ड्राइव है ये एक्चुअली में आपकी जीमेल से अटैच होता है। ठीक है, ये जो ड्राइव है आपकी जीमेल से अटैच होता है, अगर ये मेरा तो अभी मेरी जीमेल से अटैच है इसलिए खुल गया, आपका ना खुले तो जैसे ही आप ड्राइव पर क्लिक करेंगे आपकी जीमेल आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह पूछेगा, वो आप डाल दीजिए और फिर आपकी कुछ लोकेशन लुक वाइज देखने में कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां पर ये माई ड्राइव करके ये नेम है, इसे आप देख सकते हैं माई ड्राइव करके ये नेम है, और इस माई ड्राइव पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको एक ड्राइव बनाना है। तो चलिए मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं और यहां पर न्यू फोल्डर बना लेता हूं, एक फोल्डर बना लेते हैं टैली डेटा बैकअप के नाम से, और उसके बाद क्रिएट, यहां पर ये एक फोल्डर आपका बन जाएगा, और ये देखिए टैली डाटा बैकअप के नाम से बन चुका है, इसके डबल क्लिक कीजिए, उसके अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू फोल्डर में जाइए और यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2000 इसमें 22-23 के नाम से बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप 22-23 में आप खोलिए, इसमें आप मंथ वाइज डेज वाइज रखना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर एक न्यू फोल्डर बना लीजिए और ब्रैकेट शुरू 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद अप्रैल 22 उसके बाद क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद इसे खोलिए और उसके बाद इसके अंदर आप राइट क्लिक कीजिए और अब इसमें डेट वाइज अपना डेटा रख सकते हैं। तो जैसे आज डेट है इसमें हम रख लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो डेट है 06-06-05-22, ये हमारी यहाँ पर डेट का फोल्डर बन गया, इसे खोलेंगे। अब इसके अंदर हमें डेटा रखना है तो हम यहाँ पर जो हमारी ये फाइल है इसको उठाएंगे ऐसे माउस के साथ बटन दबा के और यहाँ पर आ गए ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हमारी फाइल जो है इस ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी।
और यहां से आप देखिए बैक कीजिए इसी डेट के अंदर ये फाइल है, और जब आपको ये लेनी होगी फाइल तो इसी के ऊपर पहला क्लिक दबा के राइट क्लिक कीजिए और यहां पर ये डाउनलोड है डाउनलोड कीजिए, तो आपकी फाइल जो है नीचे यहां पर डाउनलोड में आ जाएगी। ये देखिए फाइल आ गई है, तो यहां पर हम इसे राइट यहां साइड से क्लिक करके शो इन फोल्डर करेंगे तो ये फाइल यहां पर दिखेगी, इसके राइट क्लिक करके यहां से कट कर लीजिए और जहां भी आपका ड्राइव है वहां पर आप इसे रखना चाहें, देखिए राइट क्लिक करके पेस्ट, तो आपकी फाइल आ गई। इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, रिस्टोर करना मैंने आपको बता ही दिया है क्योंकि गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहां पर आपको ये ड्राइव प्रोवाइड कर रहा है और इसके कोई चार्ज नहीं लेता है। ये कम से कम आपको यहां पर नीचे लिखा हुआ है 15 GB तक आपको ये फ्री स्पेस देता है, और मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया ड्राइव आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपका कंप्यूटर भी खराब हो सकता है, आपका डेटा कंप्यूटर में भी करप्ट हो सकता है। बट जो गूगल है उसके बहुत सारे कस्टमर हैं और जितने भी कस्टमर हैं वो सारे के सारे बहुत मतलब के डायमंड कस्टमर हैं उसके लिए, और अपने कस्टमर का डेटा वो स्टोर करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करता है, तो आपके डेटा की सिक्योरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप उसके साथ जुड़े रहें और इसका बेनिफिट लेते रहें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऐसे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी ना तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।